अभी हम जयपुर के नायला में ठाकुर फतेह सिंह के महल के बाहर खड़े हैं। ये महल 1875 का महल है। ठाकुर फतेह सिंह जयपुर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्हीं की ये महल है। बाद में इसको राजस्थान गवर्नमेंट ने 1975 में रॉयल कॉलेज ने यूनेस्को के थ्रू इसको लिया था और इसको एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो है जयपुर का उसको दे दिया गया था। एसएमएस मेडिकल कॉलेज यहाँ पे रूरल ट्रेनिंग सेंटर और पब्लिक हेल्थ सेंटर चलाता था। वहाँ के जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे आके वन मंथ की इंटर्नशिप करना होता था रूरल हेल्थ केयर में। बाद में 1987-88 में इसको पीएचसी बनाया गया, यानी पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाया गया, और पब्लिक हेल्थ सेंटर को बाद में अपग्रेड कर दिया गया 2013 में। इस पब्लिक हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना दिया गया, यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएससी में इसको अपग्रेड कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्टर्स या कोई नर्सिंग स्टाफ ऑन रिकॉर्ड आने को तैयार नहीं है। हमसे उन्होंने रिकॉर्ड पे किसी ने बात नहीं किया। ये जो सीएससी है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये 40,000 पॉपुलेशन इस नायला के आसपास के 40,000 लोगों की आबादी को कैटर करता है। और यहाँ पे ओपीडी जो सुबह और शाम में होती है, अगर सोर्सेज की माने तो तकरीबन 600 पेशेंट आते हैं। उन यहाँ पे सैंक्शन डॉक्टर की पोस्ट 4-5 है और कुछ नर्सिंग स्टाफ हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, इस सीएससी में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होने चाहिए जो नहीं हैं। गायनी में एक लेडी डॉक्टर तो हैं लेकिन वो सिंपल एमबीबीएस हैं। गायनी प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पे लेबर रूम है लेकिन किसी तरह का कोई ओटी नहीं बनाया है, चूँकि जगह ही नहीं है। मेन समस्या सबसे पहले यही रहेगी, पानी की समस्या पूरी होनी चाहिए। एक हॉस्पिटल के अंदर जो भी सुविधाएं नहीं है, जैसे मशीनें वगैरह नहीं है, जांच वगैरह नहीं होती करती है, तो जांच वगैरह की सारी मशीनें होनी चाहिए। जो भी आएगा आगे उनसे यही पहले कहा जाएगा कि मैं ये 2-3 समस्या सबसे पहले किया जाए। ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल 4-5 रूम में ही चल रहा है, जिसमें इन्होंने 12 बेड का हॉस्पिटल इसको बनाया हुआ है, 6 बेड मेल और 6 बेड फीमेल के लिए, लेकिन उसकी भी सिचुएशन बहुत पैथेटिक है। यहाँ आसपास के अंदर बस मेन समस्या सबसे यही है कि यहाँ सुविधा नहीं है जो होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। बस प्राथमिक उपचार होना चाहिए, डॉक्टर बैठते हैं सुबह शाम बैठते हैं, पूरे दोपहर 24 घंटे नहीं रहती व्यवस्था। डॉक्टर्स नहीं हैं, नर्सिंग स्टाफ की कमी है और फंड्स नहीं हैं, बिल्डिंग नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है लेकिन ये ASI के अंडर में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इसमें किसी तरह का कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो अभी अवेलेबल बिल्डिंग है वही एनफ है एक अच्छे हेल्थ सेंटर को चलाने के लिए। यहाँ से पे कुछ हमने स्टाफ से बात की जो कि अनऑफिशियली उन्होंने मुझे बताया, जैसे मैंने उनसे पूछा कि कैजुअल्टी के लिए क्या अरेंजमेंट है यहाँ पे, चूँकि एक बहुत बड़ी आबादी को ये हॉस्पिटल कैटर करता है। कैजुअल्टी के जो पेशेंट आते हैं, एक्सीडेंट के पेशेंट आते हैं, उनके लिए क्या अरेंजमेंट है। इन्होंने कहा कि यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई कैजुअल्टी या ट्रॉमा सेंटर तो नहीं है, लेकिन हाँ जो कंपाउंडर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, वो पेशेंट को जब आता है तो उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स हर वक्त अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो स्टेबलाइज करने की कोशिश, और मामला क्रिटिकल होता है तो डॉक्टर्स को कॉल करके वो बुलाते हैं, ऑन कॉल डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पे। रात में किसी जब डिलीवरी का कोई केस आता है तो यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है। जो नर्सिंग स्टाफ हैं, फीमेल नर्सिंग स्टाफ हैं, वो डिलीवरी के केसेस को टैकल करती हैं। अगर वो नॉर्मल डिलीवरी हो पाई तो वो खुद से यहाँ पे करा देती हैं, अदरवाइज अगर सीजीरियन का केस बनता हुआ उन्हें दिखता है तो वो बड़े हॉस्पिटल में जयपुर उनको रेफ़र कर दिया जाता है। गाँव में हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल यहाँ से जयपुर ही जाना पड़ता है, यहाँ से 18-20 किलोमीटर पड़ता है, और यहाँ जब तक लेके जाए जब तक वो वैसे मर जाए। अभी चुनाव का
दौर है राजस्थान में, बड़े बड़े चुनावी वादे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे हेल्थ सेंटर यहाँ के जो बेसिक इंसान की जो बेसिक नीड होती है हेल्थ केयर, उसकी सच्चाई ऐसे हेल्थ सेंटर बयान कर रहे हैं।